अब बात करते हैं रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ की, रियलिस्ट डेफिनेशन। अब ये जो स्कूल ऑफ लॉ है, एज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में हमने देखा था कि हमने ये कल्पना की है कि भाई जो लॉ है वो बनाया गया है गॉड के द्वारा या नेचर में वो एग्जिस्ट है। बट रियलिस्ट स्कूल बिलीव दैट लॉ आर मेड बाय जजेस एंड ज्यूरिस पर्सन, यानी इन्हें बनाया जाता है वो भी किन के द्वारा, जजेस और ज्यूरिस पर्सन के द्वारा। द स्कूल ऑफ लीगल थॉट दैट एडवोकेट्स लेस एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर रियलिस्टिक प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच टू लॉ, यानी ये हवा हवाई बातें नहीं करता ये स्कूल ऑफ लॉ। इसमें रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक सेंसिबल अप्रोच अडॉप्ट करता है लॉ को डिफाइन करने की। इसके बाद ये कहते हैं रियलिस्ट डिफाइन द लॉ इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, यानी ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आपके जो लॉ है वो बनते हैं। अकॉर्डिंग टू होम्स, लॉ इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ सर्कमस्टेंसेस इन विच पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन थ्रू कोर्ट्स, यानी कोर्ट के द्वारा जो पब्लिक की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि ऐसा होना चाहिए, उसे लाया जाता है, उसे बनाया जाता है, उसको अस्तित्व में लाया जाता है थ्रू कोर्ट्स, कोर्ट्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कार्डो, अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ कंडक्ट सो एस्टेब्लिश एज टू जस्टिफाई अ प्रिडिक्शन विद रीजनेबल सर्टेनिटी दैट इट विल बी एनफोर्स बाय द कोर्ट इफ इट्स अथॉरिटी इज चैलेंज, इट्स अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ लॉ। काफी इंटरेस्टिंगली इन्होंने डिफाइन किया है लॉ को। ये कहते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या रूल्स जिनको कि फॉलो किया जाएगा, और अगर फॉलो नहीं किया जाता किसी के द्वारा तो इट विल बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स, यानी इसको कोई चैलेंज करता है तो वो कोर्ट के द्वारा उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इस तरह के जो प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जिन्हें कोर्ट एनफोर्स करा सकती है, इन्हें लॉ कहा गया है यहाँ पर। तो अभी हमने जो भी डेफिनेशंस देखी उसका जो लबो लबाव है, जो उसका सार है, वो ये कहते हैं कि लॉ इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेटिंग द ह्यूमन कंडक्ट इन द सोसाइटी।